राम जी घर आ रहे हैं, तो उनके भोग के लिए आज हम लड्डू की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग भी सोच रहे हैं कि 22 जनवरी को क्या बनाएं, तो ये दानेदार लड्डू ज़रूर बनाइए। तो आज हम लड्डू बनाने का बहुत ही आसान तरीका आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इसको नॉर्मल बेसन से रेडी करेंगे। आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए आज की बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। हाय, मैं स्वस्ति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बनाने के लिए हम नॉर्मल बेसन ले लेंगे 2 कप। तो बेसन में पानी डाल के इसको गूँथ लेना है, जैसे रोटी के लिए गूँथते हैं उसी टाइप से इसको गूँथ लेंगे। तो बेसन हाथ में बहुत चिपकता है, तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हाथ को क्लीन करके उसके बाद फिर से अच्छे से गूँथ के इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए, ये आटा रेडी हो गया है। इसको अब ऊपर से घी लगा के 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे और उसके बाद प्रेस करके इसको पूरी के जैसा बना लेंगे। इसको मोटा और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, जो मीडियम होती है उस टाइप की पूरियाँ बना लेनी है छोटी छोटी। तो आप सोच रहे हैं ना, पूरी बना रहे हैं, ये पूरी नहीं बना रहे हैं। पहले पूरी के जैसा ऐसे रेडी कर लेंगे। तो हम पूरी इसलिए बना रहे हैं कि ये कम घी में रेडी हो जाएगा और जल्दी रेडी हो जाएगा और बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। तो ये देखिए, पूरियाँ बन गई है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, तो उसके लिए कढ़ाई में घी डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने 1 कटोरी लिया था, उसमें थोड़ा सा अभी बचा लिए हैं। अब इसको जब कम पड़ेगा तब डाल देंगे। तो हम इतना ही घी में पूरे पूरी को तल लेंगे। जैसे आपको इससे भी कम घी यूज करना है तब थोड़ा और घी कम डालेंगे और एक एक पूरियाँ तल लेंगे। तो ये देखिए, ऐसे ही सारे पूरी को तल लेंगे। तो ये देखिए, जैसे नॉर्मल पूरियाँ बनती है ना, उससे थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करना है। तो ये देखिए, अब लगभग रेडी हो गया है। तो इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी तरह सारे पूरियाँ को तल लेंगे। तो ये देखिए, ये भी रेडी हो गया है। अब इसको भी निकाल लेंगे और इसके बाद ऐसे ही सारे पूरियाँ देखिए तल लिए हैं। और इसको अब ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मिक्सर जार में ऐसे तोड़ तोड़ के फिर डाल देंगे और उसके बाद ग्राइंड कर लेंगे। इसको एकदम बारीक बिल्कुल नहीं पीसना है, इसको दरदरा पीसना है, क्योंकि हमको दानेदार लड्डू बनाना है तो इसको दरदरा ही पीसेंगे। तो ये देखिए, इसको मिक्सर को खोल बंद 1-2 बार करेंगे तो ये दरदरा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कितना दरदरा है और दानेदार लग रहा है। तो बाकी बचे हुए पूरियों को भी ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, सारा रेडी हो चुका है। अब एक पैन में 1 कप, जिस कप से हम बेसन लिए थे उसी कप से 1 कप चीनी डाल देंगे और उसी कप से 1 कप पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमको यहाँ पे 1 तर वाली चाशनी रेडी करनी है। तो ये देखिए, ये लगभग रेडी होने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। तो ये देखिए, ऐसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, 1 तर वाली चाशनी बन के रेडी हो गई है। और आपको अगर देखना है कि कैसे रेडी होती है तो हम इसको प्लेट में रख के भी देख सकते हैं। तो प्लेट में सबसे पहले पानी डाल लेंगे और उसके बाद 1-2 बूंद डाल देंगे। अगर ये चारों तरफ फैल गया इसका मतलब चाशनी रेडी नहीं है, और एक जगह हो गया तो इसका मतलब रेडी है। तो ये देखिए, एक तर वाली चाशनी रेडी हो गई है। तो अब गैस बंद कर देंगे और उसके बाद जो लड्डू के लिए बुरा बना हुआ था उसमें डाल देंगे
अब ऊपर से थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, और हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं मिलाना, नहीं तो हाथ पक जाएगा। तो ऐसे ही इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और चाशनी भी गर्म ही डालना है, ठंडा नहीं डालना है। तो इसको चारों तरफ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ताकि चाशनी है पूरा बेसन में जा सके अच्छे से। उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ऐसे लड्डू छोटे बड़े जिस साइज की भी बनाना हो उस साइज की बना लीजिए। तो ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बनके रेडी हो रहे हैं। इसी तरह सारे लड्डू बना लेंगे। मिश्रण ठंडा हो गया है और नए लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप 1-2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरे सारे लड्डू बनके रेडी हो गए हैं, ये भोग लगाने के लिए रेडी हो गया है। तो डेकोरेशन के लिए ऊपर से आप पिस्ता या फिर किशमिश डाल सकते हैं, तो ये देखने में और भी सुंदर लगता है। तो ये राम जी के लिए भोग के लिए लड्डू बन के रेडी हो गया हुआ है। तो आप सबको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी? आप लोग को भी अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोग भी भोग के लिए ये लड्डू ज़रूर बनाइए, राम जी को ज़रूर पसंद आएगी। और आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आप सबसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। जय श्री राम।